देखिए दोस्तों, ये पेट्रा रेलवे स्टेशन है और हम लोग ये मालवा एक्सप्रेस जो खड़ी हुई है उसमें बैठ गए हैं, क्योंकि यहीं से बन के चलती है। चलने का टाइम तो उसका 9:30 है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये पूरा कटरा रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है, और यहाँ से आप देखते हैं वो माता वैष्णो देवी का जो धाम है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो अर्धकुंवारी जी जो है उनका धाम है। ये ऊपर वाइट वाइट नज़र आ रहा है, ये माता वैष्णो देवी का धाम है। और ये पूरा पहाड़ के पीछे जब आप जाएंगे तो आपको माता वैष्णो देवी का धाम दिखाई देगा। और एक इसके पीछे पहाड़ है जो ऊंचा था, उसके सबसे चोटी पर आपको भैरव बाबा नज़र आएंगे। ये आप कितने तगड़े तगड़े पहाड़ हैं आप देख सकते हो। देखिए चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आते हैं यहाँ पे। इसी पहाड़ पे माता वैष्णो रानी का धाम है। उसी धाम पे हम लोग आने के लिए, माता के दर्शन करने के लिए हम लोग आए थे। और आप देख सकते हो यहाँ पे आपको वाइट वाइट दिख रहा है, ये पूरा आने जाने का रास्ता है। पूरा शेड बनी हुई है इधर उधर, और आप आ जा सकते हो। अभी ये इंजन आया था, बदल चेंज हो रहा है किसी ट्रेन का। हम लोग अभी कटरा रेलवे स्टेशन पर ही हैं, देखिए आप। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह की माता वैष्णो देवी की खाटू श्याम, वृंदावन या चार धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, सभी जगह की आपको वीडियो अपलोड होती रहेगी आप लोगों की जानकारी के लिए। ये सब होता रहेगा और बताते रहेंगे हमेशा हर वीडियो में कि कहाँ पर किस तरह जाना है, कहाँ से कौन सी ट्रेन मिलेगी और उधर से कौन सी ट्रेन पकड़ के आपको पहुँचना है। सबसे मेन काम है वैष्णो देवी, माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, कि आपको अपना आईडी प्रूफ साथ में लाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ वाइट दिख रहा है, यहाँ अर्धकुंवारी जी हैं, और उसके ऊपर वो चढ़ के जाओगे सीधे तो वहाँ वो टावर लगे हुए दिख रहे हैं आपको। ये टावर लगे हुए हैं भैरव बाबा के। यहाँ पे सबसे ऊपर में भैरव बाबा हैं, यहाँ पे माता वैष्णो देवी से भी ऊँचे पड़े हुए हैं भैरव बाबा। थैंक यू, धन्यवाद।